जगदम्बा जही अवतरी सुपुर वरण की जाय रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख है नित्य नूतन अधिकार अरे जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन हो सकता है वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य तो नए बढ़ते जाते हैं नगर निकट बार बरात सुने आई पुर खर भरु शोभा अधिकाई नाना चले साधर अब अरे बरात को नगर के निकट आया सुनकर नगर में चहल पहल मच गई जिससे उसकी शोभा बढ़ गई अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बरात लेने चले ये हर से स्वर सेन निहारी हर ही देखे अति भय सुखारी शिव समाज जब देखन लागे बेडारी चले वाहन सब भागे देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले श्री राम अंधारी धीरा जो है रहे सयाने बालक सब ले जीव पराने गए भवन पूछा ही पितु माता कहीं बचन भय कंपित गाता कुछ कड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेकर भागे घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछने लगे तब वे भाई से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं कर कह काहे कहे जाए न बाता जम कर धार के धों बरिया आता बरी बोरा है बस अस बारा ब्याल कपाल विभूषण छारा क्या कहे कोई बात कही नहीं जाती यह बारात है या यमराज की सेना दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं तन क्षार भूषण नगन जटल भयङ्कर सङ्गभूत प्रेत पिशाच मुख रजनी चरा जो जियत री बरात दीखत पुण्य कर सही देखा ही सो मां बाह घर घर बात असल कन कही दूल्हे के शरीर पर राख लगी है सांप और कपाल के गहने हैं वह नंगा जटाधारी और भयंकर है उसके साथ भयानक मुखवाले भूत प्रेत प्रसाद योगनिया और राक्षस हैं श्री राम जो बरात को देखकर जीता बचेगा सदमुख उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा लड़कों ने घर घर यही बात कही समझे महेश समाज सब जननी जनक मुस्कान बाल बुझाए विविध विधी ने डरे हो डर नाही महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ डर की कोई बात नहीं है ले आगवान बरा ही आए दिए सब जनवास सुहाये मै सवारी संग सुमंगल गा वहीं गारी आगवन लोग बरात को लेवाल आए उन्होंने सबको सुंदर जन्माष्ट हरण को, को दिए मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी कंचन थारे सोहे बर पानी पर चली हर से हर सानी अब कट बीस जब देखा बलने और भाई भाया सुंदर हाथों में सोने का थाल सुभित है इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रछन करने लगी जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया भागी भवन बैठी अति त्रासा गए महेश जहां जनवासा मैना हृदय मै ना हृदय भाया हो दुख भारी लीनी बोले गिरी से कुमारी बहुत ही डर के मारे भाग कर भी घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जन्माशा था वहाँ चले गए मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया आधे के है गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारीहा ती जड़ा का और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया कस कीन न बरू है, है विधि जही तो मही सुंदर तादही जो फल चहि सूरत तुरही तो, तो बर बस बबू रही ला गई तुम तो सहत गिरी के गिर पायक जरो जल निधि महु परो घर जाओ आप जैसे हो जग जीवत बात न हो करो जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बड़ बावला कैसे बनाया जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है मैं तुम्हें केवल पहाड़ से गिर गिर पड़ मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूँगी आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी भाई बेकल कल अब ला सकल दुख ते दिख गिर निकलापे रोद बदती सुदासने सुदास हो संहार सियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुसाई तुलसीदास की जय बोलो भाई सब संतन की जय हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गई मैना अपनी कन्या से कन्या के स्नेह को याद करके बिलाप करती रोती और कहती थी श्री राम आरती श्री राम